दोस्त, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं साला, जॉब ढूंढ रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ कोई जॉब देने को तैयार ही नहीं है। हर जगह साले एक्सपीरियंस मांगते हैं। अरे ग्रेजुएशन में इतनी मेहनत करके 85% मार्क्स लेके आया, टैलेंट की साली कोई कदरी नहीं है। अरे कोई जॉब करने का मौका ही नहीं दे रहा है। घर वालों को साला रोज़ फ़ोन आता है यार, कब तुम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो? पर मैं क्या कहूँ, क्या कह के थक गया हूँ कि हाँ दिखा दूँगा तुम लोगों को, अपनी मेहनत से घर खरीद लूँगा, अपनी मेहनत से गाड़ी खरीद लूँगा। बैंक में जाओ तो साला कोई लोन नहीं देता, कहते हैं प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आओ। अरे प्रॉपर्टी के पेपर होंगे जब साला गिरवी रख के कुछ लोन नहीं ले लेंगे, उधार लेके कुछ बिजनेस नहीं कर लेते कुछ? अब तो थक गया हूँ यार मैं, साला लगता है कि इस बिल्डिंग से कूद के जान दे दूँ। अबे पागल है क्या तू? कैसा लगेगा तेरे घर वालों को जब तेरी 6 फुट की बॉडी लेटी हुई देखेंगे वो? अबे कई महीनों तक तो उनको यकीन नहीं होगा कि जिस फ़ोन पे हर महीने वो पैसे भेजा करते थे, हर बार वो फ़ोन करेंगे उस फ़ोन पे और सोचेंगे कि कब तू उठाएगा। कैसा लगेगा उन पिताजी को कि जिस कंधे पे बचपन में तुम्हें वो मेला दिखाने ले जाया करते थे, उसी कंधे पे तुम्हारी वो 6 फुट की बॉडी लेके शमशान जाएंगे? अरे कई महीनों तक तो वो सदमे में रहेंगे कि क्या हो गया उनके साथ। दोस्त मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी हिम्मत है, और तुम्हारे अंदर आने वाले वो सभी गुण तुम्हारे उसी हिम्मत की वजह से आते हैं। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारना। जिंदगी में किताबें, ये पढ़ाई लिखाई शायद तुम्हें पैसा ला के ना दें, लेकिन तुम्हें सम्मान ला के जरूर देंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो 4 लोगों तक तुम्हें बैठना सिखाएंगी, बड़ों के सामने तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाना सिखाएंगी, बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे आदर करना है, ये चीज़ तुम्हें सिखाएंगी। किताबें सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती। और अभी इन छोटी छोटी हालातों की वजह से तुम ये एक्शन लेने की सोचोगे तो आने वाले बड़े बड़े पहाड़ कैसे चढ़ोगे तुम? और दोस्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने एक बात कही थी कि अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ये सही संकेत है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें बतलाती हैं कि तुम्हें इसे बदलना चाहिए। चलो।